हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका एक और वीडियो में फिरोजपुर बठिंडा इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। अपने अपने निकल चुके हैं फिरोजपुर रेलवे स्टेशन से 92 से 24 ट्रेन में, और आप देख सकते हैं कासूबेगू स्किप करने के बाद ही जो है वो फाउंडेशन मिलने शुरू हो गई है। कासूबेगू से गोलेवाला के बीच में पहले कच्ची और फिर पक्के फाउंडेशन जो है वो बनाने का काम जो है वो शुरू हो गया है। लगभग अपने 16 किलोमीटर की दूरी पे है। गोलेवाला रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, यहाँ पे 3 रेलवे ट्रैक हैं, 1 रेलवे प्लेटफॉर्म है। कोई काम यहाँ पे फाउंडेशन बनाने का अभी शुरू नहीं हुआ है, गोलेवाला में शुरू नहीं हुआ है। कासूबेगू गोलेवाला के बीच में फाउंडेशन शुरू हो चुके हैं। अगला होल्ट जो है पिपली पक्की कला, यहाँ पे भी 1 प्लेटफॉर्म है, कोई काम शुरू नहीं हुआ है। फरीदकोट रेलवे स्टेशन में अपने एंटर कर रहे हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। पीछे मेरे को एक कच्चा फाउंडेशन मिला है और आगे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे पक्के फाउंडेशन, यानी जो डायरेक्शन है वर्क की वो फरीदकोट से गोलेवाला की तरफ है। पिपली कला होकर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे कोई भी काम अभी शुरू नहीं हुआ। यहाँ पे प्लेटफॉर्म 2 हैं, रेलवे ट्रैक 3 हैं अपने फरीदकोट रेलवे स्टेशन पे, ना तो 2 नंबर पे और ना ही 1 नंबर पे कोई फाउंडेशन के लिए खड्डे खोदने का काम शुरू नहीं हुआ है। फुट और फ्लाईओवर को क्रॉस किया आपने और इस समय अपने लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं। होम सिग्नल जो है जो फरीदकोट का बठिंडा साइड में, उस पर कोई काम नहीं शुरू है। और अब आप देख सकते हैं दोबारा से फाउंडेशन मिलने शुरू हो गए, यानी ये फरीदकोट स्टेशन की तरफ जाएंगे फाउंडेशन बनाने के लिए। फाउंडेशन अभी अभी बनाए गए हैं, इससे अंदाज़ा लग रहा है कि काम जो है अभी यहाँ पे स्टार्ट ही हुआ है। पिछली बार यहाँ काम शुरू नहीं हुआ था। पिछली बार अपने केवल फाउंडेशन जो है वो ये जो सरिंद्र रास्ता फीडर है इससे और कोटकपुरा के बीच में ही मिले थे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये फाउंडेशन पिछली बार बने हुए थे, अब भी बने हुए हैं। और इस समय पोल लगाने का काम इधर शुरू हो गया है, यानी फाउंडेशन जो है वो राजस्थान फीडर तक पिछली बार बने हुए थे। इस बार जितने भी फाउंडेशन राजस्थान फीडर तक बने हुए थे उनमें आप देख सकते हैं 3 से 4 पोल लगातार आ गए हैं। और ज्ञानी जैल सिंह संधवा रेलवे स्टेशन को अपने क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर भी फाउंडेशन जो है वो उनके अंदर पोल लगाए जा चुके हैं। सामने जो आप देख रहे हैं पोल, ये लूप लाइन, यानी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर है। यहाँ पर केवल 2 ही लाइनें हैं, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर लूप लाइन है, वहीं पर प्लेटफॉर्म है। कोटकपुरा फरीदकोट जो रोड है उसके ऊपर जो फ्लाई ओवर आता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसके नीचे से अपनी ट्रेन इस समय जा रही है। और फाउंडेशन के अंदर यहाँ पे भी पोल को लगाने का काम जो है वो लगातार जारी है। हालांकि इन फाउंडेशन को अभी फिक्स नहीं किया गया इनको अभी पोल्स को। इस समय अपने जो है वो कोटकपुरा यार्ड के अंदर एंटर कर रहे हैं। सामने की तरफ जो ट्रैक दिख रहे हैं ये जो माल गोदाम है जो पीछे अडानी का, इसकी तरफ से आ रहा है। और सामने जो आप इलेक्ट्रिक पोल देख रहे लगे हुए, ये सेक्शन फाजिल का मुक्सर होते हुए कोटकपुरा आता है। यहाँ पे भी एक सिंगल लाइन पे जितने भी फाउंडेशन पिछली बार बनाए गए थे सब में पोल लगा दिए गए, यानी पोल लगाने का काम जो है वो पूरी तेज़ी में चल रहा है। 339 के माइलस्टोन पे अपने हैं, जो कि कोटकपुरा रेलवे स्टेशन की एक बेंचमार्क है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे भी फाउंडेशन जो है वो बनाए जा चुके हैं। हालांकि कोटकपुरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पे जो है वो अभी काम शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पे क्योंकि ट्रैक जो है उसको कवर किया जाएगा ब्रैकेट्स में। अब अपने जो हैं वो निकल चुके हैं रोमानाल बेल सिंह के लिए, यानी जैतों और बठिंडा की तरफ अपने जा रहे हैं। और बीच में आप देख रहे हैं कि पोल लगातार आ रहे हैं। और अपनी ट्रेन इस समय थोड़ी हाइट पे है, ग्रेडियंट पे, यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी आती है रोमानाल बेल सिंह के आस में उसके पास है। और यहाँ उसको क्रॉस किया है, थोड़ा सा कर्व आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए लगातार पोल मिल रहे हैं। पिछली बार जहाँ अपने को फाउंडेशन मिल रहे थे, आज सब फाउंडेशन के अंदर जो है वो पोल लगा दिए गए हैं। रोमाना अलबेल सिंह भी एक क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन है 2 रेलवे ट्रैक के साथ, अपने एंटर कर रहे हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। गंगसर जैतो रेलवे स्टेशन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, सामने 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आप जो है वो साइन बोर्ड देख रहे हैं गंगसर जैतो रेलवे स्टेशन का। क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म 1 और 2 के बीच में गैप ज़्यादा है, केवल 2 ही ट्रैक हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट्स के बजाय सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन को जो है, ट्रैक को जो है वो इलेक्ट्रिक पोल से जो है वो कवर किया जाएगा। इस समय अपने गंगसर जैतो रेलवे स्टेशन से डिपार्चर कर रहे हैं। और अगला रेलवे स्टेशन अपने जो आने वाला है वो चंदभान आने वाला है। चंदभान नाले को अपने क्रॉस किया है और ये भी एक क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन है 2 रेलवे ट्रैक के साथ। और मेरे लेफ्ट और राइट दोनों साइड में पिछली बार फाउंडेशन बनाए गए थे, उन सभी फाउंडेशन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक पोल जो है वो रख दिए जा चुके हैं। अब अपने स्किप कर रहे हैं रेलवे स्टेशन गोनियाना भाई जगता को, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो है वो 2 हैं और रेलवे ट्रैक जो है वो 3 पड़ते हैं। तो यहाँ OHE को जो है वो कवर किया जाएगा ब्रैकेट्स बना के। अपने ये जो 2 रेलवे लाइन आप देख रहे हैं ये बठिंडा थर्मल की तरफ से आ रही है, और यहाँ तक जो है ये जो ब्रैकेट्स हैं तो पहले लगाए जा चुके थे, यहाँ तक इलेक्ट्रिक पोल लगाए गए। अब इलेक्ट्रिक पोल दोबारा आ गए हैं,
आप अपने सिंगल नए ट्रैक पे चल रहे हैं, सामने आपको जो है वो गुरु नानक देव थर्मल प्लांट की चिमनी दिख रही है। एंटर कर रहे हैं बठिंडा में और यहाँ पे पश्चिम मध्य रेलवे TKD तुगलकाबाद का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है वो रेस्ट कर रहा है। तो आज अपने काफ़ी प्रोग्रेस देखी है इस वर्क की कि फरीदकोट से लेकर बठिंडा आउटर तक जो है वो जितना भी लगभग एरिया 50 से 55 किलोमीटर का है, उसमें सभी फाउंडेशन के अंदर इलेक्ट्रिक पोल लगाए जा चुके हैं। मैं यही आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में जो है वो फाउंडेशन बनाने का काम फिरोजपुर पहुँच जाएगा और बाकी जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल लगाए गए उनको फिक्स करके उसमें सपोर्टिंग आर्म लगा दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आपसे नई अपडेट में। जय।